हे दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में मेरे पास है BS6 i20। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि BS6 i20 में जो है आपको कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलेंगे, स्टाइलिंग एलिमेंट्स आपको कैसे देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ इस गाड़ी को एज अ सेकेंड हैंड ऑप्शन कंसिडर करना ठीक रहेगा या फिर नहीं। अगर ठीक रहेगा तो प्राइसिंग कितनी होनी चाहिए और स्पेयर पार्ट्स के बारे में मुझे नहीं लगता कि आपको इस गाड़ी के बारे में बताने की जरूरत है। आपको पता है i20 एक बहुत ज्यादा फेमस प्रोडक्ट है, इसीलिए जो है इसके स्पेयर पार्ट्स के अवेलेबिलिटी को लेकर कोई भी सवाल नहीं है। यहाँ पर जो है दोस्तों, अगर मैं स्टाइलिंग एलिमेंट्स की बात करूँ, सामने की तरफ आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद DRL देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपका इंडिकेटर और नीचे जो है आपको फॉग लैंप्स देखने को मिलेंगे, बीच में जो है आपको हेक्सागनल ह्यूंडई की जो सिग्नेचर ग्रिल आती है वो चीज, और यहाँ पर जो है आपको बड़ा सा ह्यूंडई का लोगो। वैसे दोस्तों, अगर मैं पैटर्न की बात करूँ, हनीकॉम मैश जैसा आपको पैटर्न पियानो ब्लैक की फिनिशिंग के साथ देखने को मिलेगा, जो कि प्रीमियमनेस को ऑब्वियसली और ज्यादा इंक्रीज करता है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं बात करूँ क्वालिटी की, तो आज भी जो है इस क्वालिटी का कोई भी मैच नहीं है। अगर आप इंटीरियर की क्वालिटी को बाकी सारी गाड़ियों से कंपेयर करोगे, आज भी जो है i20 की इंटीरियर की क्वालिटी सबसे ज्यादा बेस्ट है। अब हम चलते हैं साइड की तरफ और देखते हैं कि साइड की तरफ जो है आपको Hyundai i20 BS6 प्री फेसलिफ्टेड वेरिएंट पे कौन कौन से फीचर्स और स्टाइलिंग एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं गाड़ी के साइड लुक की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ लेंथ की, तो गाड़ी में जो है आपको 3995 mm की लेंथ देखने को मिलेगी, जो कि सभी प्रीमियम हैचबैक्स में आपको देखने को मिलेगी, जस्ट अंडर 4 meters। बाकी अगर मैं बात करूँ स्टाइलिंग एलिमेंट्स की, तो यहाँ पर जो है आपको ORVM देखने को मिलेंगे। जैसा कि आपने देखा जब मैं पास आया, तो ये जो है अपने आप अनफोल्ड हो गए, जिसको जो है हम वेलकम फीचर भी कहते हैं। यहाँ पर आपको बॉडी कलर ORVMs विद इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे। अगर मैं दोस्तों बात करूँ अलॉय व्हील की, अलॉय जो है वो आपको 16 इंची का देखने को मिलेगा। टायर प्रोफाइल जो है वो आपको 195/55 का देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, गाड़ी में जो है आपको लो प्रोफाइल टायर्स मिलते हैं, लेकिन फिर भी कंफर्ट जो है वो आपको मोर देन एडिक्वेट वाला देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों, अगर मैं बात करूँ डोर हैंडल्स की, तो चूंकि ये टॉप वेरिएंट है, तो इसमें जो है आपको क्रोम फिनिश के साथ डोर हैंडल्स देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे। बी पिलर जो है वो आपको ऑब्वियसली ब्लैक की फिनिशिंग के साथ देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा अननेसेसरी क्रोम वर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। अब एक और चीज जिसके कारण जो है i20 जानी जाती थी, वो है इसका ब्लैक कलर का सी पिलर। जी हाँ दोस्तों, ये अपने सेगमेंट की पहली गाड़ी थी जिसमें जो है आपको एक ब्लैक सी पिलर मिलता था, और उसी के कारण जो है आपको यहाँ पर एक फ्लोटिंग रूफ वाला इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। अब दोस्तों चलते हैं पीछे की तरफ और देख लेते हैं पीछे की तरफ जो है आपको Hyundai i20 में कौन कौन से स्टाइलिंग एलिमेंट्स और कौन कौन से फीचर्स वगैरह देखने को मिलेंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों बैक लुक की। तो जो फेस लिफ्टेड वेरिएंट आया था 2018 में i20 का, तब जो है बैक में ही ज्यादा मेजर चेंज आया था। गाड़ी जो है पीछे से थोड़ा सा क्रॉस ओवरिश लगती है, और गाड़ी में जो है रगेडनेस इस बैक के कारण ही ऐड होती है। अगर मैं बात करूँ टेल लैम्प की, तो यहाँ पर जो है आपको फुल LED टेल लैम्प देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपका इंडिकेटर, यहाँ पर आपका वेरिएंट का बैजिंग, और नीचे जो है आपको रिफ्लेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे। हालांकि गाड़ी में जो है नॉर्मल रिफ्लेक्टर्स आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आपको आफ्टर मार्केट रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलेंगे। बाकी पार्किंग सेंसर जो है वो आपको बॉडी कलर में 4 पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ रिवर्स कैमरा भी देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर जो है आपका रजिस्ट्रेशन प्लेट की जगह, और ऊपर जो है एज यूजुअल वाइपर वॉशर डिफॉगर, तीनों ही चीजें जो है आपको देखने को मिलेगी। सो इंटीरियर में शुरू करते हैं ड्राइवर साइड डोर से। तो गाड़ी चूंकि एस्टा मॉडल है, यहाँ पर जो है आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको एज यूजुअल 4 विंडोज विद ड्राइवर साइड ऑटो डाउन एंड ऑटो अप वाले फीचर के साथ। यहाँ पर जो है आपका विंडो लॉक, यहाँ पर से जो है आप अपने ORVMs को एडजस्ट कर सकते हो, और यहाँ से जो है आप अपने ORVMs को फोल्ड वगैरह भी कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ डोर हैंडल की, तो डोर हैंडल जो है वो क्रोम फिनिश में नहीं है, लेकिन ये जो है थोड़ा सा सेटिन सिल्वर वाले फिनिश के साथ है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर जो है आपको ट्विटर्स देखने को मिलेंगे, और नीचे जो है आपका स्पीकर, और यहाँ पर जो है आप अपना 1 लीटर का पानी बोतल बहुत ही आसानी से रख सकते हो। बाकी यहाँ पर जो है आपको आफ्टर मार्केट स्किड प्लेट्स देखने को मिलेंगे, और आप जो है एक बार डैशबोर्ड का पूरा लुक ले सकते हैं, और उसके बाद जो है अंदर चल के आपको पूरी चीज एक बार दिखाएंगे। अब दोस्तों मैं आ चुका हूँ Hyundai i20 के अंदर, और अंदर से जो है आपको सारी चीजें चेक करा रहा हूँ। शुरू करते हैं दोस्तों इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो आपको बेसिक सा देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अभी वाली i20 से कंपेयर करोगे, तब तो आपको बेसिक ही लगेगा, लेकिन ये स्टाइल जो है वो बहुत ज्यादा क्लासिक लगता है। लेफ्ट साइड की तरफ जो है वो आपको RPM मीटर, राइट साइड की तरफ आपका स्पीडोमीटर, और बीच में जो है आपको एक MID देखने को मिलेगी। MID को जो है आप अपने स्टीयरिंग व्हील से ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो लगे हाथ स्टीयरिंग व्हील की भी बात कर लेते हैं। ये स्टीयरिंग व्हील जो है Hyundai का मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। द साइज इज जस्ट परफेक्ट, और जो डिजाइनिंग है वो भी
जो है बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। राइट साइड की तरफ जो है आपको MID से रिलेटेड कंट्रोल्स और लेफ्ट साइड की तरफ जो है आपको मीडिया से रिलेटेड कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे। बाकी अगर मैं बात करूं टॉगल्स की तो यहां पर जो है आपको वाइपर्स से रिलेटेड टॉगल्स, जी हां दोस्तों इस गाड़ी में जो है आपको ऑटोमेटिक वाइपर्स भी देखने को मिलेंगे और जहां पर से जो है आप ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स को ऑन कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूं सेंटर कंसोल की तो सेंटर कंसोल जो है वो आपको थोड़ा सा हेक्सागोनल टाइप फिनिश में देखने को मिलेगा और एक चीज जो अच्छी है ये जो है ड्राइवर की साइड थोड़ा सा टिल्टेड है जो कि इसको बहुत अच्छा बनाता है। यहाँ पर जो है आपको हैजार्ड लैंप का स्विच, यहाँ पर लॉक अनलॉक, यहाँ पर जो है आपको AC वेंट और यहाँ पर जो है आपको एक 8 इंच का टच स्क्रीन देखने को मिलेगा जो कि जिसका टच रिस्पॉन्स वगैरह जो है वो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है। बाकी गाड़ी में एज यूजल एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले भी आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर जो है आपका वॉल्यूम से रिलेटेड कंट्रोल और यहाँ पर जो है आपका फाइल से रिलेटेड कंट्रोल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। बाकी ये जो है आपका इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, नीचे जो है आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल से रिलेटेड कंट्रोल्स भी देखने को मिलेंगे। बाकी उसके नीचे जो है आप अपने ATM कार्ड वगैरह रख सकते हैं, हालांकि कोई नहीं रखता है, और उसके नीचे जो है आपको इस वेरियंट पे वायरलेस चार्जिंग वगैरह भी देखने को मिलेंगे। बाकी ये जो की पेट्रोल गाड़ी है तो यहाँ पर जो है आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा विथ 1 रिवर्स लगे हाथ। तो जो है मैं आपको एक बार बैक कैमरा भी चेक करा देता हूँ तो आप देख सकते हैं गाड़ी में जो है बैक कैमरे की जो क्वालिटी है वो डिसेंट सी है, नॉट दी बेस्ट नॉट दी वर्स्ट आइदर। बाकी अगर मैं बात करूँ कैबिन की क्वालिटी की तो कैबिन जो है डुअल टोन आपको ब्लैक बेज की फिनिशिंग के साथ देखने को मिलता है और क्वालिटी इज रियली ऑसम, बहुत ज्यादा अच्छी जो है आपको क्वालिटी देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पर जो है आपको ग्लव बॉक्स जो की डिसेंट स्पेस के साथ है और ऊपर की तरफ जो है आपको 2 कैबिन लैंप और यहाँ पर जो है आपको सनग्लास होल्डर वगैरह भी देखने को मिलेंगे। सन वाइजर्स में जो है आपको एनईडी मिरर देखने को मिलेगा लेकिन लाइट वगैरह कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी जो लोग इस गाड़ी को यूज कर रहे हैं वो मुझे एक बारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि फ्रंट सीट जो है वो आपको गाड़ी की कैसी लगती है। अब अगर मैं दोस्तों बैक साइड पैसेंजर डोर की बात करूं तो यहाँ पर भी जो है आपको सेम चीजें देखने को मिलेगी, डुअल टोन की फिनिशिंग, यहाँ पर जो है आपका पावर विंडो का कंट्रोल और यहाँ पर जो है आप कॉइन वगैरह आसानी से रख सकते हो। बाकी नीचे जो है आप एक 1 लीटर का बॉटल रख सकते हो और यहाँ पर जो है आपका स्पीकर और यहाँ पर जो है आपको ट्विटर्स देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों गाड़ी में जो है आपको 4 स्पीकर्स और 4 ट्विटर वाला म्यूजिक सिस्टम मिलता है जिसकी क्वालिटी जो है आपको बलेनो से तो बेटर लगेगी लेकिन ऑल्ट्रोस से जो है आपको थोड़ी सी कम वाली क्वालिटी लगेगी। बाकी अगर मैं बात करूँ स्पेस वगैरह की तो स्पेस वगैरह जो है आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा हुआ है, वो चीज मैं आपको फिर से चेक नहीं कराऊंगा। यहाँ पर आपका रियर AC वेंट और बीच में जो है आपको एक सेंटर आर्मरेस्ट भी इस वेरियंट पे देखने को मिलता है। अब एक बारी हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या आपको ये गाड़ी कंसीडर करनी चाहिए या फिर इस प्राइस रेंज में जो है आपको कोई और गाड़ी कंसीडर करनी चाहिए। अब दोस्तों हालांकि ये BS6 गाड़ी है लेकिन ये गाड़ी जो है अभी डिसकंटिन्यू हो चुकी है, इसीलिए जो है ये गाड़ी अब आपको सेकेंड हैंड मार्केट में ही मिल पाएगी। बहुत सारे ऐसे ओनर्स होते हैं जो की गाड़ी को खरीद के जो है 1 साल के अंदर अंदर बहुत अच्छी कंडीशन में बेच देते हैं। अगर मैं बात करूँ प्रोस की तो गाड़ी में जो है आपको बहुत अच्छी क्वालिटी देखने को मिलेगी, म्यूजिक सिस्टम वगैरह जो है वो आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, Hyundai का सर्विस नेटवर्क जो है वो बहुत अच्छा है और साथ ही जो एक्सपीरियंस है वो भी जो है आपको बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का देखने को मिलेगा और साथ ही साथ गाड़ी में जो है आपको बहुत अच्छी रीसेल भी देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों अगर आप इसको एज ए सेकेंड हैंड खरीदते हैं और उसके बाद अगर इसको आप 5-6 साल बाद बेचते भी है तो भी जो है आपको एक बहुत अच्छी रीसेल वैल्यू मिलने वाली है। अब अगर मैं बात करूँ कुछ कॉन्स की तो गाड़ी में जो है आपको एवरेज बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। जी हाँ दोस्तों आई रिपीट, ये गाड़ी जो है अपने कम एवरेज के कारण बदनाम रही है और आजकल जहाँ फ्यूल के प्राइसेस जो है वो लगभग 100 टच कर चुके हैं तब जो है आपको इस गाड़ी में फ्यूल डलवाने से पहले एक बारी सोचना पड़ेगा। बाकी होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो बिना लाइक किए मत जाइएगा, अगर वीडियो पसंद नहीं है तो फिर जो है आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।